दिन था मंगलवार का, राष्ट्रपति भवन के सभागार में 4 घंटे बैठक चली, जिसमें मौजूद थे मोदी और उनकी सरकार के सिपाही। इस खास बैठक को खुद पीएम मोदी ने नाम दिया चिंतन शिविर। अब सवाल ये है कि आखिर चिंतन शिविर क्यों, ऐसा क्या था इस बैठक में कि इसकी इतनी चर्चा हो रही है। जो लोग मोदी की कार्यशैली और उनकी प्राथमिकताओं को जानते हैं, उन्हें समझते देर नहीं लगी होगी कि अपनी टीम के साथ मोदी ने इस चिंतन शिविर में क्या गुफ्तगू की होगी। दरअसल इस चिंतन शिविर का मकसद था टीम मोदी की ग्रूमिंग का, तो मीटिंग में ऐसे ही टिप्स दिए गए। पीएम मोदी ने अपने 20 साल के अनुभव अपनी टीम से हल्के फुल्के अंदाज में साझा किए। मोदी की हमेशा प्राथमिकता रही है सुशासन, तो मीटिंग में सुशासन का मंत्र दिया गया। टाइम मैनेजमेंट भी मोदी की पहली प्राथमिकताओं में से है, इसलिए इसके भी टिप्स दिए गए। इसके अलावा भ्रष्टाचार से निपटने और पहचानने के टिप्स, गरीबों की योजनाओं को सही व्यक्ति तक पहुंचाने का मंत्र, गरीबों व वंचितों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का लक्ष्य, मंत्रियों के दौरों को प्रासंगिक बनाने का तरीका, निजी स्टाफ को पेशेवर बनाने के टिप्स, पत्रों के उत्तर देने का तरीका, मंत्रालय के अधिकारियों से संवाद का तरीका, तकनीक के बेहतर इस्तेमाल के टिप्स और दक्षता यानी एफिशिएंसी के टिप्स दिए गए। चिंतन शिविर में मोदी के 2 मंत्रियों मनसुख मंडाविया और धर्मेंद्र प्रधान ने 10 पॉइंट प्रेजेंटेशन भी दिए। अभी ऐसे 7 और चिंतन शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। मोदी ग्रूमिंग में विश्वास रखते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में विश्वास रखते हैं, खुद को सुधारते रहने की प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं। गुजरात के वक्त भी वो टिफिन मीटिंग्स किया करते थे। ये मोदी का स्टाइल है।